अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद मुश्ताक आप हज़रात की खिदमत में आज फिर से हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में कि जो आपकी शरीर की तमाम तर कमज़ोरी निकाल देगा और इसी के साथ साथ जो है तो आपका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक करेगा, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत के एतबार से देखा जाए तो इसमें दिमाग का सबसे अहम रोल होता है। और अगरचे आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है तो कमज़ोर हो जाती है। तो इसी के साथ साथ व्यूअर से ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत, दिमागी तवाज़ुन और आपको ताकत देने वाला एक ऐसा नुस्खा है कि इसको सस्ता समझ के नज़रअंदाज ना कीजिएगा। इंतहाई बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। तो इसको आप घर पर कैसे बनाएँगे, इसका तरीके इस्तेमाल क्या रहेगा, मकदार ख़ुराक क्या रहेगा, इस तरफ चलने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं और अब तक के आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो उसकी अपडेट से आप बाखबर रह सकें और उससे जुड़ते रहें। तो व्यूअर्स, आपको लेना है सबसे पहले बादाम लेना है 5 अदद, इसको रात में आपको भिगो देना है और सुबह में इसको ग्राइंड करना है। सुबह में आप इसको ग्राइंड कर लें, इसका छिलका उतार कर, और उसमें आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है और सुबह में शहद मिलाकर उसको अच्छे तरीके से चबा चबा कर खा लें और उसके ऊपर 1 कप आप जो है तो दूध पी लें। इंशाल्लाह 21 दिन इस्तेमाल करें, ऐसी तब्दीली आपके शरीर में लाएगा कि आप इस नुस्खे को बार बार खाना पसंद करेंगे। तो व्यूअर, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरीके के देसी और आसान नुस्खे लेकर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।